सो गाइज, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गांव की इस धार से, नीचे वाले धार से। सो अभी देख सकते हैं आज का मौसम, आजकल फिर से बारिश लगना स्टार्ट हो गया। पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन कभी भी बदल सकता है। तो इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल केदार घाटी की इन बर्फीली वादियों से। आशा करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो आज कुछ खास ब्लॉग बनने वाला। आज हम जा रहे हैं मार्केट, मैं और मम्मी। तो वहाँ पे ये है कि मार्केट में आज जो मेरी दादी थी, मौसी की सासू जी, वो रिटायरमेंट हो रही है, मतलब वो जंगलात में रहते थे तो वहाँ से रिटायरमेंट हो रही है। तो आज है 31 तारीख, तो वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ आज पार्टी है। तो हम, मैं और मम्मी जा रहे हैं, मम्मी तो थोड़ा आगे चली गई। तो मैं गांव के इस वाले धार से ब्लॉग शूट कर रही है, देख सकते हैं गाइस। तो बने रहे आज के ब्लॉग में। अभी हूँ मैं अपने गांव के रास्ते में, तो आज गाड़ियाँ भी नहीं आए कोई। तो मौसम देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अंधेरा और का है। सो बने रहे गाइस आज के ब्लॉग में। अभी तो हम पैदल ही जा रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से जाना है। ये कुजड़ो देख सकते हैं, कुजड़ो भाग गया। ये देख सकते हैं आज कितना मौसम, कितना अंधेरा और का। श्रावण के महीने नहीं होता मौसम वैसे और का, ये वाला मौसम। सो बने रहे दोस्तों, चलो मिलते हैं आप सीधा। सो गाइस अभी आ गए हम नीचे वाले रोड पे। तो यहाँ से भी अभी गाड़ी एक नहीं मिली, अब पीछे से आ रही है मम्मी। तो ये है मेरी मम्मी, मैं दिखाता अपनी मम्मी को बिना दांतों वाले। हाय कर लो। हाय। ये है मम्मी। तो गाइस बने रहे ब्लॉक में। तो मार्केट में गुप्त काश में मेरी दो मौसियाँ है, एक बड़ी वाली, एक आंचल की मम्मी और एक दूसरी है तो छोटी वाली मौसी, इनके यहाँ है आज की पार्टी। तो बने रहे ब्लॉक पे। अभी देख सकते हैं ये है हमारे गांव की खेत, यहाँ तक है खेत लोगों के, ये देख सकते हैं। और यहाँ से हमें गाइस अभी आ गए हम इस वाले रास्ते से, यहाँ से मतलब यहाँ के लिए बोलते हैं कल्याणी। तो आज तो गाड़ी एक भी नहीं मिली, मौसम देख सकते हैं लगातार बारिश हो रही है भयंकर। पीछे से मम्मी देख सकते हैं पूरे भीग गई, ये देख सकते हैं बिना दांतों के। सो गाइस यहाँ से देख सकते हैं और हमें जाना है। तो आज एक भी गाड़ियां नहीं मिली भाई सुबह से। तो चल सो गाइस बने रहे ब्लॉक में, अब मिलते हैं आपको सीधा डोबा नगरी में। तब तक ओके बाय बाय। सो गाइस अभी आ गए मैं मार्केट मौसी लोगों के यहाँ पे, और यहाँ से अब हम जाएंगे सबसे पहले रेंज ऑफिस में, जहाँ दादी काम करती थी, तो जहाँ जॉब करती थी, तो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाता मैं आज आपको, सबसे मिला था अपने रिश्तेदारों से। बुआजी को पहचानते होंगे, ये है मेरे दादी, बड़ी वाले मौसी की सासू, ये मेरी चाची जी। हाय कर लो। तो तीन, ये मम्मी यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारी मामी जी, हाय कर लो। वाह के सुहाने लग रही आज तो ये। हाय। ये बड़ी मौसी और ये तो ब्यूटी क्वीन। गाइस ना अभी बने रहे ब्लॉग पे, अभी हम बड़े मौसी लोगों के यहाँ पे है। तो जो दादी है, वो दादी तो चली गई ऊपर ऑफिस में, छोटी वाले दादी मतलब छोटी वाले मौसी की सासू, उनकी रिटायरमेंट है। तो अभी हम यहाँ पे है, यहाँ पे देख गाइस अभी जा रहे हैं हम छोटी वाले मौसी के यहाँ, जहाँ आग पालती है। तो यहाँ से जाना है हमें, देख सकते हैं ये बचपन से ये रास्ता हुए हैं सही है यहाँ सब चीज। सो गाइस अभी आ गए हम मौसी लोगों के यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं टेंट, अभी टेंट लग रहा है। और यहाँ से अभी हलवाई बना रहे खाना, यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ से जा रहे हैं हम शिवानी को लेने, इस वाले गधेरे से, ये वाला गधेरा। सो गाइस हम निकल गए यहाँ से, मतलब ऊपर से वहाँ हमें जाना है रेंज ऑफिस, रेंज ऑफिस डोबा से ऊपर है, जंगल वाले रास्ते से जाना, यहाँ से देख सकते हैं दो परिया। हाय कर लो ना मैं ब्लॉग भाई नहीं क्या। सो गाइस आगे से देख सकते हैं हमारे रिश्तेदार सारे आगे से जा रहे। सो ये पारी ए थरबत दूसरी पारी दो यहाँ ऑफिस में, ये देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी बैठे हैं सब। तो ये हमारे दादी जी। सो गाइस बड़ी बहन श्रीमती बसंती देवी जी, उनके बिदाई समारोह में सम्मिलित उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग और गुप्त काशी निकस्त के सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे यूनिट गुप्त काशी के समस्त स्टाफ, इस बिदाई
सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही आप विदित हैं कि सरकारी कर्मचारी को, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, 60 साल की सेवा के पश्चात उसको अपनी सेवानिवृत्ति पर जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत हमारी बड़ी बहन श्रीमती वसुमित देवी जी आज अपने 60 साल की सेवा समाप्त के पश्चात अपनी सेवानिवृत्ति पर इस कार्यालय से प्रस्थान करेंगे अपराह 2 बजे। तो इस समारोह में मैं हार्दिक दृष्टि से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग सभी अपने प्रेमी के नाते हमारी बहन श्रीमती वसुमित देवी के इस समारोह में शामिल हुए हैं। इस समारोह में आपके पति जो भावनाएं देवी जी का है, जो भावनाएं आपकी रही हैं, वो इस समय पल पल के रूप में यहाँ पर प्रांगण में इस कार्य प्रांगण में। मैं सबसे पहले अपने स्टाफ से निवेदन करूंगा कि श्रीमती वसुमित देवी का माल्यार्पण करूंगी। श्रीमती विद्या रावत हमारी स्टाफ है, ये श्रीमती वसुमित देवी जी का माल्यार्पण करूंगी। तालियों से स्वागत किया जाए विद्या रावत जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने स्टाफ से, इसमें कार्यालय यहाँ पर कार्यालय प्रभारी है, वो सॉल अर्पण करेंगे। इनके तालियों से धन्यवाद। जब मैं जाऊंगा एक वीडियो बना ताजा जोर से भाई आप लोग पहले मुझे बताओ क्या स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परिवार से ही श्री कन्नार जी पहुंचे हैं, कन्नार जी का भी हाथ कभी स्वागत है। और मैं निवेदन करूँ कन्नार जी से कि आप भी अपना बहन की पत्नी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कन्नारी जी का। इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत है जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, इस समारोह में शामिल हुए हैं। हमारे सहपाठी बैठो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेवा निवृत्त होना है। मैं मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है कि हमारे बीच से हमारी बहनों ने इस कार्यालय में अपना संपूर्ण योगदान दिया था और इस विभाग में इतनी सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके पश्चात केदार वन्यजीव प्रभाग, उसके बाद रुद्रद्वार वन प्रभाग, आज 60 साल की सेवा के पश्चात इस वन प्रभाग। इस समारोह कार्यक्रम में विदाई समारोह में कोई कमियां रहेगी तो मैं अपने दिल दिमाग से करके मैं क्षमा चाहता हूं इस मंच से। अब मैं आमंत्रित गाइस अभी यहाँ से निकल गए हम, सारे लोग निकल गए यहाँ से बोल धमाओं के साथ। सो गाइस अभी दादा जी यहाँ पे जा रहे हैं मंदिर में, यहाँ की देवी है बंगला देवी। सो सारे लोग यहाँ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं हमारे रिश्तेदार साहब आ रखे है, ये भी हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार अच्छा कि नहीं, ये रिश्तेदार और रिश्तेदार कुछ। सो गाइस कुछ रिश्तेदार सब ऊपर चले।
तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप पूरी भीड़। डांस करो रे, नाचो तो नाचो, डांस करो, डांस करो, सब नाचो सब नाचो। तो गाइस अभी यहाँ से निकल गए, मतलब बारिश इतनी भयंकर लगी ना यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे डांस किया हमने, तो अब यहाँ से निकल गए पूरी टीम। यहाँ से निकल गए पूरी गाइस अभी पहुंच गए बस घर पे, देख सकते हैं पूरी टीम ये डोबा टीम। सो गाइस यहां से देख सकते हैं, आ चल रुको पीछे से, आप पीछे से जाओ ना बस तेज वालों ने। सो गाइस अभी आ गए हम घर पे, मतलब यहां पे विदाई समारोह जो भी वो होता है पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे खाना खा रहे हैं नीचे, सब गए देख सकते हैं नीचे चले गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे ये मम्मी जी हाय करो, ये हमारे बुआ जी, इनको तो सब देख खाना खाना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दादी जी के स्टाफ वाले अंदर बैठे हैं, सो यहाँ से देख सकते हैं इसका खाना। गाइस आप देखो हाथ से तो नहीं खा रहा, मेरे को लगा हाथ ही से उसका पड़ा। सो गाइस फाइनली हम खाना खाने स्टार्ट हो गए यहाँ पे, अभी तो सब गाइस जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी भी ये खा ही रहा है। और सो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं सब ने खा लिया, तो यहाँ से सबसे लास्ट में मैंने ही खाया क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा काम कर रहे थे। तो यहाँ से देख सकते हैं इसने तो सबसे ज्यादा खाया है और ये दोनों इन्होंने तो पेट भर के खा लिया सबसे पहले। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मोटी और पतली, एक मोटा हो गया एक पतला हो गया। सो चलो खा 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 ए बड़ा खा, अरे राम अब खाना खाना जरा गौरव लिख रहे वा बोटे तभी जाए भाई जरा। सो गाइस अब फाइनली आ गए हम घर पे, मतलब टाइम हो गया 5 बज गए शाम की। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं मौसी लोगों के यहाँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तो आज जितना भी हो आप ब्लॉग में आप देख लेना वीडियो में आगे।
सो अभी यहाँ पे दादी जी, ये मेरी बड़ी दादी, दादी हाय कर। सो यहाँ पे बैठे के मौसी लोग, यहाँ पे बुआ मौसी लोग, बाय करो ले। तो इन्होंने भी बाय कर दिया। ये चाय चाय बाय कर बाय। और नए ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में तब तक गाइस आप लोगों को मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।